हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी विल स्टार्ट अगेन ऑनलाइन क्लासेस इन आवर एसेंट स्कूल। आई होप यू ऑल विल हेल्दी एट योर होम एंड सेफ एट योर होम। लास्ट फोर्थ चैप्टर टीस्ड बाय जयश्री राठी एंड नाउ चैप्टर नंबर फिफ्थ। I am your new teacher. Today's our topic name is the pretty bird, yani ek sundar sa paksi, ek pretty bird, ek sundar sa paksi. Yehi hamara aaj ka jo topic hai wo rehne wala hai. To jo bhi bacche itne din jinhone pichle fourth chapter tak kaam nahi kiya, wo apna kaam pura kare, kyunki government ne aapko pata hai गाइडलाइन दी है, अच्छे से बताया है कि बिना एग्जाम किसी को पास नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको पास होना है, एग्जाम देना है, तो पेपर तो टीचर बनाने वाला इसी बुक में से ही बनाएगा। तो आपको सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए आपको आज तक जितना पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट जैसे हो चुका है, सेकेंड यूनिट टेस्ट है आप ये लिए। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किए, अब कर रहे हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चों को, दूसरे बच्चों को आप बता दें कि क्लास अटेंड करें, काम करें समय पे, जो भी होमवर्क दिया जाए उसे पूरा करें, क्योंकि इस साल स्कूल खुलने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आपको एग्जाम वैसे भी देना पड़ेगा, भले एग्जाम ऑनलाइन ही दो, जहाँ तक आसार है कि एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। तो उसके लिए आप अच्छे से काम करोगे तभी पढ़ोगे, तब तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप कहाँ से लाओगे। बाद में एक साथ वीडियो नहीं देख पाओगे। तो जब भी जैसी डेली एक क्लास आती है एक सब्जेक्ट की, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। समय रोजाना का 1 से 2 घंटे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। फिर आप भागोगे ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, इसलिए पहले से अच्छे से प्रिपेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टॉपिक अबाउट आवर टॉपिक अबाउट द लेसन। देखो सबसे पहले, दिस इज द स्टोरी अबाउट अ प्रीटी बर्ड हु सो प्राउड ऑफ इट्सेल्फ दैट डिड नॉट टॉक टू एनीवन। एक ये कहानी है जो एक बहुत ही सुंदर पक्षी की है, जिसको खुद के ऊपर इतना प्राउड, इतना घमंड होता है कि इट डिड नॉट टॉक टू एनीवन, वो दूसरे से बात ही नहीं करता है। सो लॉस्ट ऑल इट्स फ्रेंड्स, इस आदत की वजह से उसके सारे मित्र उससे दूर चले गए, उसने सारे मित्रों को खो दिया। देन इट फील सो सैड, इससे वो पक्षी बहुत दुखी हुआ। देन इट लर्नड अ लेसन, इससे उसको एक सीख मिली, उसने एक पाठ पढ़ा, यानी उसको एक बोलते हैं मारवाड़ी में अक्कल आएगी सर। अगेन गॉट ऑल इट्स फ्रेंड्स बैक, कि मुझे मेरे सारे मित्र सारे फ्रेंड्स वापस चाहिए भैया। अब वो वापस के लिए करने लग गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी प्रीटी बर्ड, एक समय की बात, अपन कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर पक्षी रहता था। हर ब्यूटीफुल फीदर वर इन 7 colors, उसकी जो ब्यूटीफुल फीदर्स थी, जो उसकी पीछे की जो पूरी स्ट्रक्चर थी, पंख थे, बहुत ही 7 color यानी इंद्रधनु जैसे प्रतीत होते थे। इट सीम्ड लाइक अ रेनबो, रेनबो की तरह, तभी तो सुंदर तो नहीं है भाई। सी लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ, वो बहुत ही अच्छी खुशनुमा लाइफ जीता था। एंड किप्ट ऑन फ्लाइंग फ्रॉम 1 tree टू अनदर, और एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ बैठता था, एंजॉय करता था। All the other birds in the surroundings appreciated the colors of the bird's beautiful wings. उसके पास बहुत ही खूबसूरत विंग्स थे, पंख, फीदर्स। इसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग्स नजारे, जो नेबरहुड थे, पड़ोसी मित्र थे, पड़ोसी बर्ड थे, वो अप्रिशिएट उसके कलर को हमेशा अप्रिशिएट करते थे। भाई तुम बहुत खूबसूरत, तुम्हारे पंख बड़े अच्छे हैं, जिसको तारीफ करते अपने में, इसको सुंदर यार, ये तो गजब सुंदर। दे ऑल विश टू प्ले एंड एंजॉय विद हर, आपकी क्लास में भी देख कोई न कोई लड़की हो, लड़का बड़े सुंदर सुंदर है, क्यूट क्यूट से उस टाइप से। दे ऑल विश टू प्ले एंड एंजॉय विद हर, वो सभी उस पक्षी के साथ खेलना चाहते थे, सभी उसके साथ एंजॉय करना। बट द कलरफुल बर्ड वॉज कंटिन्यूसली अवॉइडिंग ऑल द बर्ड्स, पर उसको ऐसा लगता था वो हमेशा उनको अवॉइड करता, क्या मेरे अंदर कुछ तो है तभी सारा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। बिकॉज सी डिड नॉट लाइक देम, क्योंकि वो उनको पसंद ही नहीं करता। वो सोचता मैं सबसे सुंदर हूँ भाई, मेरे पास आकर नहीं मेरे कलर खराब कर देंगे, मेरे ये कर देंगे, मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा। सी सेड विद एरोगेंस, उसको एरोगेंस थी, मतलब हेटेड, घृणा। यू इरिटेटिंग, यू ऑल
आर डिसगस्टिंग एंड अगली. उसने बोला तुम सब डिसगस्टिंग और अगली भद्दे हो, खराब हो. आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम लोग पसंद ही नहीं. ऑल द बर्ड्स ऑलवेज विश टू टच हर फीदर्स, लेकिन सभी पक्षी उसका हमेशा फीदर टच करने के, बहुत सुंदर होते हैं तो टच करने का प्रयास करते थे. दे वर इन लव विद द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फीदर्स, वे सभी उसके सुंदर कलर से बहुत प्रेम करते थे, बहुत पसंद करते उसको. द क्रो सेड, कौए ने कहा आई लाइक योर रेड कलर एक्सट्रीमली, मुझे तुम्हारा रेड कलर ना पंख में बड़ा पसंद है. बट द कलरफुल बर्ड श्रिल्ड, गो अवे गो अवे, वो नाराज गुस्से में कहते हैं चले जाओ यहां से. यू ऑल वुड मेक माई फीदर डर्टी, तुम सब मेरे फीदर्स को डर्टी बना दो, गंदा बना दो, इसलिए यहां से चले जाओ. आई डोंट लाइक यू. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे करेंगे अपना अगला चैप्टर इससे आगे वाले पार्ट में करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट योर होम. जय हिंद, जय भारत.